जन की बात हमारे साथ। कदे प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, और कुछ ऐसा ही प्रतिभा चल के आया है दिल्ली से, झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में। हम बात करते हैं अजीत भारती साहब से। अजीत भारती साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नूर सराय का यह छोरा अब पूरे एशिया में अपनी धूम मचा रखा है। आप इसे इंसान कहें या चलता फिरता कंप्यूटर, ये आपके शब्द होंगे, लेकिन मिनटों में कई हजार गाड़ियों का नंबर बता देना, सेकेंड में 100 साल पहले का कैलेंडर बता देना, ये सचमुच में एक अजूबा है। और हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये अजूबा ये करते कैसे हैं। भारती साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है जन की बात में। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। क्या शौक चल रहा है कि दिल्ली जैसे मल्टी सिटी से आप फिर इधर जमुआ के मुफस्सिल एरिया में आ गए? निश्चित है कि दिल्ली में बाई प्रोफेशन दिल्ली इज़ द बेटर प्लेस, बट जब आप इमोशनली जितना प्रेम और जितना रिस्पेक्ट आपको छोटे शहर छोटे कस्बों में मिलता है आफ्टर लॉकडाउन, 2-2.5 सालों के बाद मैं यहाँ पे आया, तो मुझे लग रहा है कि मैं अब दिल्ली क्यों हूँ, मैं इसी सारे जगह पे क्यों नहीं बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। क्योंकि यहाँ अगर इनकम की बात की जाए तो जो बच्चे ने जो जिस तरह से रिगार्ड यहाँ के टीचर्स ने जिस तरह से सत्कार किया, उसकी कीमत पैसे नहीं हो सकती, वो प्राइसलेस है। तो ये अजीत साहब, ये कब आपके दिमाग में आया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं? एक्चुअली जब मैं MBA कर रहा था 2012 में, तो मैं ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन और ना मैं पढ़ने में बहुत ही फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मैं ये देखता था कि कोई चीज़ें मैं देखता था तो वो चीज़ें मुझे बाद में कभी पूछी जाती थी तो मैं उसे बतला देता था, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मुझे खुद उतना नहीं पता था। लेकिन बाद में टीचर्स जब पूछते थे कि अच्छा बताओ तुम क्या था, मैं तो सीरियस भी नहीं था उस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं हूबहू बतला देता था। तो फिर मैं इसे ना अपना मैंने सोचा क्यों नहीं इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाकर देखता हूँ। तो मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जी आज से 10 साल पहले, और देखा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। तो मैंने फिर छोटे छोटे शहर गांव में जाकर पढ़ाने का कोशिश किया, देखा कि उसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, साथ में पेरेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे प्रोफेशन बनाया जाए लाइफ का। तो मैं छोटे छोटे शहरों में प्रोग्राम्स के लिए स्कूल्स वगैरह छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में खुद विजिट करता था। फिर लगा कि क्यों जब, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा इनकम उस समय हो नहीं रही थी क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे और कोई टैग आपके पीछे लगा नहीं हुआ। तो मैं गूगल पर सर्च किया तो पता लगा कि इंडिया रिकॉर्ड्स के लिए क्या करनी होती है। तो फिर मैं इंडिया रिकॉर्ड्स के लिए 2015 में अप्लाई किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 2015 में इंडिया रिकॉर्ड बनाया, तो फिर अच्छे खासे लोग जानने लगे। फिर इंडिया रिकॉर्ड में आपसे क्या करवाया गया? मैंने 42 कैलेंडर्स का डे बतलाया था। अच्छा। तो मेरा नाम इंडिया रिकॉर्ड्स में आई थी। अच्छा। फिर मैंने 2018 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए किया, मैंने 169 नंबर्स के मेमोराइज़ किया, उससे पहले 165 या कुछ नंबर्स थी, उसे मुझे ब्रेक करना था। तो मैंने 2018 को मैंने ब्रेक किया तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू लोग अवेयर हुए, लोग जानने लगे, और 2019 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में 200 नंबर्स के मेमोराइज कर तो फिर बहुत सारे कॉल आने लगे बड़े बड़े ऑनलाइन इधर उधर, तो वहाँ जाकर पढ़ाने लगा कैरियर बिल जैसे संस्थान पे, DSL जैसे संस्थान पे, एन अकेडमी, सभी जगह से ऑफर्स आए। तो 3-4 सालों से ड्यू टू लॉकडाउन तुम सारा स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, तो ऑनलाइन ही क्लासेस, और 3 साल के बाद ऑफलाइन क्लासेस लेने का आज पहली बार मौका मिला संत जी के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा कि एक कमरे में बंद 2.5 सालों से पढ़ा रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल खुला एक ज़्यादा बहुत बहुत इंप्रेसिव, बहुत अच्छे लगे। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह आप चलाते हैं या ऑनलाइन ही आप? मेरा खुद का अपना चैनल है जीत भारती मेमोरी ट्रेनर, मेरे चैनल का नाम है, मेरा अपना खुद का ऐप्स है, इबर एग्जाम ऐप्स है, मेरी ऑफिस मुखर्जी नगर में, और मेरे स्टूडियोज़ भी हैं, मेरे ऑफिस भी हैं, लोग स्टाफ्स वहाँ पर वर्क करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वहीं से मैं देता हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहें तो फादर? मेरे पापा रिटायर्ड पहले कोर्ट में थे, अब रिटायर्ड क्योंकि 2014 में वो रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए। आपकी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट या सरकारी विद्यालय? बिक्स थी सर, बचपन में मेरे ननिहाल में कोई था नहीं तो मैं वहाँ भी रहता था, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, पापा धनबाद एक जगह है झारखंड में ही है, कुछ समय वहाँ रहे थे गया रहे थे, तो फिर मैं बाद में मैं 7th-8th से फिर कॉन्वेंट स्कूल्स में भी क्लासेस की, तो मैं बोल सकता हूँ कि मिक्स रही मेरी। मिक्स रही, अमूमन मिक्स ही रहती है लोगों की, जो मुफस्सिल एरिया के लोग होते हैं। आपको अजीत भारती छोड़ दे तो क्या सिग्निफिकेशन से आपको मैं बुलाऊँ?
अजीत भारती छोड़ दें तो क्या 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 किस नाम से बुलाया जाए? अजीत भारती छोड़ दें तो किस नाम से बुलाया जाए, इसका क्या जवाब आपको किसी पर? मेमोरी मैन बुलाया जाए। अच्छा, वो लिम्का बुके वार्डेड बुलाया जाए, क्या बुलाया जाए? क्या सुनना पसंद करेंगे अपने लिए? नाम तो सुनना अजीत भारती ही पसंद करेंगे। अजीत भारती ही पसंद करेंगे। अच्छा, तो आपको मतलब ये MBA करते वक्त ये समझ में आया कि आपके अंदर एक एक चीज़ है कि आप चीज़ों को सहजता से याद रख लेते हैं। जी हाँ। क्यों होता है ऐसा? ऐसा ये ऐसा आपका ये सवाल कि ऐसा क्यों होता है? अगर मैं आपसे ही पूछूं सर, जो चीज़ आप याद करना चाहेंगे वो चीज़ नहीं याद हो सकती, क्योंकि आप उसे याद करना चाह रहे हो। जी। तो फिर याद कौन सी चीज़ें होती हैं? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। जी। बचपन में हमें भी ऐसा आपको भी ऐसे याद करो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लिखो, विवेकानंद के बारे में आप लिखो, आज तक सही से नहीं लिख पाए, लेकिन जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं, पुष्पा मूवीज़ हो, बाहुबली हो, सोलो, दबंग, कोई भी मूवीज़ को अगर हम एक बार देख लेते हैं तो उसके बारे में हम बहुत सारा लिख सकते हैं या लिख देते हैं, उसको याद करने की कोशिश नहीं की। तो मेमोरी में बहुत सारे होते हैं इमोशंस, इमोशन मेमोरी से रिलेटेड होती है, सुनना मेमोरी से रिलेटेड होती है। जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं तो हमारा इमोशन सारा कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाता है, आप चाहो या ना चाहो आप कॉन्स्टेंट हो जाते हो, तो सारी मेमोरी एक साथ जब मूवीज़ में आप देखो कि रोमांटिक है तो इंसान रोमांटिक मूड में हो जाती है, कॉमेडी है तो लोग हंसने लगता है, फाइट सीन हो तो लोग, तो वो उससे अटैच हो गया वहाँ पे, सारे मेमोरी एग्रेसिव हो गए तो वो चीज़ें याद हो गई। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही पढ़ाई थोड़ी बोरिंग है, लेकिन आज हम लोग जब स्कूल जाते थे 1-2 में तो हम लोग जाने से पहले बहुत रोते थे बारिश हो जाए ना जाए, लेकिन आज के बच्चे स्कूल जाने के लिए जिद इसलिए करते हैं क्योंकि प्ले स्कूल हो गई, बच्चे को वहाँ खेलने को मौका मिलता है। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया कि अगर पिक्चर याद हो सकती है, गाने याद हो सकते हैं, तो फिर पढ़ाई की चीज़ें क्यों नहीं याद हो सकती अगर इसमें भी ये सारा इमोशन जुड़ जाए। तो मैंने वो सारे सारे टॉपिक्स को, सारे वर्ड्स को, नंबर्स को मैंने इमोशन से कोरिलेट कर दिया, अब वो चीज़ें हमें तुरंत याद हो जाती है। जैसे मैं लोगों से पूछा जाए कि मदर्स डे कब मनाई जाती है, वोमेंस डे कब मनाई जाती है, तो वो बतलाएगा भी या डेट भी एक कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन बच्चे से पूछा जाए कि वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है, एक झटके में बोलेगा 14th of Feb, तो वो तो उसने कभी याद किया नहीं। बच्चे को कोई गाने या कुछ भी टाइटल अगर आप स्टार्टिंग बोलोगे तो लास्ट वो ख़त्म कर देगा, लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। ये सारा काम है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का। जो चीज़ें फनी होती है, रेडिकुलस होती है, कलरफुल होती है, विचित्र होती है, वो हमें मेरा सब कॉन्शियस माइंड उसको अडॉप्ट करता है। अब चेतन मन जिसकी याद करने की कैपेसिटी 95%, माई राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो 5% चीज़ों को याद कर पाता है, जैसे आपका वर्ड्स हो, डिजिटल लॉजिक हो, तो इसीलिए तो मैंने क्या किया कि जो चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड है उसे भी मैंने फनी बना दिया, कलर बना दिया, उसे भी एक्टर एक्ट्रेस मूवीज गाने की तरह बना दिए। अब वो चीज़ें फिर बच्चे को 95% याद होने लगी चीज़ों को। इसी क्रम में आपने देखा कि बहुत सारे बोर्ड पे नंबर लिखी गई, मैंने उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसे सुना दिया। तो ये कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस कर और कुछ भी याद कर सकता है। मेरे पास मैं क्लास 5-6 के बच्चे को एक दिन की क्लासेस में कंप्लीट प्रेडिक्टेबल याद करवा देता हूँ, और उसका बहुत सारे बच्चे का इंटरव्यूज़ भी है यूट्यूब पे 1-2 दिनों की क्लासेस अभी, में अभी आपने कई सारे नंबर्स लिखवाए बच्चों से, मैं देख रहा था और मैंने भी कई नंबर आपको बताए, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 250-250 नंबर बोर्ड में होंगे जी, और उन नंबरों को आपने बता दिया। अभी आप बता रहे थे कि मेमोरी का रिलेशन अटैचमेंट से, बिल्कुल, आप जिससे अटैच होते हैं उसको आप चाहे याद करना चाहे ना चाहे वो आपको याद रहती है। बिल्कुल। इसमें अटैचमेंट कहाँ से आया? बिल्कुल, मैं नंबर बता रहा हूँ और आप उसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अब नंबर्स जो भी नंबर्स है ना उसे मैंने फिगर में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, नंबर्स तो 0 से लेकर 9 तक ही है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी 41 नंबर तो 4 और 1 से मिलकर बने हुए, 98, 9, 9, 8 से बने। मैंने उसी 10 नंबर को मैंने फिगर में ट्रांसफ़र कर दिया। आप कुछ भी बोल रहे हो, अब मुझे वो फिगर के रूप में दिख रही है। जैसे लोग बोलते हैं कि 1000 GK का क्वेश्चन दिया जाए तो लोग भूल जाते हैं या पढ़ने के बाद भी, लेकिन 1000 दोस्त जिसका 1000 फ्रेंड होता है वो तो फ्रेंड का फेस देखा उसका नाम बतला दिया, तो 1000 दोस्तों का नाम कैसे बतला दिया? वो तो कभी रटा मारा नहीं इमेज से, तो उसका भी मैं इमेज बना देता हूँ। आप जितना भी चीज़ याद करने से रिलेटेड हो एक बार पढ़ो, इमेज अगले स्टोर हो जाएगी, याद हो जाएगी। मेरे 20 आवर्स की क्लासेज होती है, ऑफलाइन तो अब तो लेने का मौका बहुत ही कम मिलता है,
15 से 16 वीडियो की मेरी क्लासेस होती है, उसमें सारे टॉपिक जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे हों, स्कूल्स के बच्चे हों, बहुत से डेवलप कंट्री में आप देखेंगे सर कि इस तरह की टेक्निक ना बच्चों को स्टार्टिंग स्कूल से कंपलसरी कर दी जाती है ताकि उसके याद करने की क्षमता बढ़ जाए। अब जैसे मेरी याद करने की क्षमता है, अगर मेरा बेटा है मैं उसे बता रहा हूँ तो अब तो वो बहुत ही बेटर ढंग से चीज़ों को याद कर पा रहा है, मतलब वो तो अब कुछ भी सामने वाला कोई एक साल लग रहा है उसे एक दिन लग रहा है। और अगर सारे बच्चों को ऐसा ही मिल जाए ये शिक्षा तो फिर बच्चे माइंड बहुत ब्रिलियंट हो जाए। कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके अंदर जो है ये पहले पता हो जाता तो शायद आप किसी और बड़े जगह में होते या सेटिस्फाई हैं अपने इस पोजीशन। मैं तो मुझे खुशी है कि मुझे ये चीज़ें पहले नहीं पता हुई, अगर मुझे चीज़ें पहले पता होती तो निश्चित मैं को अच्छा जॉब में होता, लेकिन ये प्रेम ये लगाव ये नहीं होता। तो ये जो यहाँ लोग जानते हैं इतने अच्छे अच्छे टीचर्स रिस्पेक्ट करते हैं तो वो तो फिर मुझे मैं मिस कर जाता है। कभी ऐसा आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है जैसे कि आप बता रहे हैं कई बड़े ऑफिसर भी हैं, अपना प्रतिमूर्त किसी में देखा है आपने क्या कि वो अजीत भारती के चार कदम चला हो उस राह में? नहीं, बहुत सारे बच्चे जैसे मैं तो प्रोफेशनल हूँ सर, तो मैं तो और बच्चे का क्या है कि वो अपने टॉपिक पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जूनियर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए तैयार हैं। अच्छा। एक दो ने ट्राई भी किया है, लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें बंद थी तो बिल्कुल उस राह पे जाती है। बहुत मैं उससे पहले उसे कंपेरिजन करने के लिए बोलता हूँ कि तुम जिस बच्चे के साथ आपके जो स्टूडेंट फ्रेंड सर्किल में है पहले आप उससे सबसे आगे हो जाओ, आप मुझे खुशी होगी कोई अगर मुझसे आगे हो जाए तो ये आप नहीं मानते किसी किसी व्यक्ति का आइकॉन ही ऐसा होता है। अभी आप देखो गूगल बॉय, तो उसको तो आपने पढ़ाया नहीं, नहीं वो तो कोई ट्रिक्स जानता नहीं है, नहीं, लेकिन आप देखो आप उसे जो पूछ रहे हो वो बता रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी अवचेतन मन किसी किसी का बहुत विस्तृत होता है, बहुत भास्ट होता है, बहुत पावरफुल होता है? बिल्कुल, क्या होता है ना सर कि मान लीजिए सर कि आप एक डॉक्टर हो या चाहे आप सर एक इंजीनियर हो, अगर आप मैं पूछूं कि आप क्या हो तो आप क्या हो, आपकी बॉडी जस्ट लाइक जैसे मोटरसाइकिल यूज़ करने के लिए मोटरसाइकिल इसलिए होती है ताकि हमारे लाइफ में सहूलियत हो सके, है ना, घड़ी कुछ भी लेते हैं तो ये हमारा बॉडी ना एक उपकरण के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा नहीं है, आप क्या हैं, आप या हम क्या हैं, आपकी अच्छी बुरी यादें ही आप हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं आपके ब्रेन से अगर मेडिकल की चीज़ों को निकाल दिया जाए तो आप क्या हैं, कुछ नहीं। तो अच्छी बुरी जो मेमोरीज हैं वही आप हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उस जन्म के भाई लास्ट बर्थ को भी लोगों को याद होती है, लेकिन क्या होता है कि इंसान उतना सोच नहीं पाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई चीज़ आप देखते होंगे ना तो आपको लगता होगा शायद ये घटना घटी है, शायद मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। वो ना उस चीज़ की थोड़ा भी झलक दिखती है ना, जैसे किसी का बाल अगर ऐसे हो अरे तो ये शाहरुख खान जैसा दिख रहा है, ये सलमान खान जैसा दिख रहा है, आदमी को रिलेट कर लेता है। तो बहुत सा बच्चे ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड का मतलब हुआ क्या कि जो चीज़ आप नहीं भी पढ़े वो भी चीज़ आप बतला रहे हो, मतलब कि अब कहीं ना कहीं पूर्ण जन्म की बात है तो वो तो रहती है साथ में सर। पूर्ण जन्म मानते हो आप? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हम आपसे ये टिप्स लेना चाहते हैं या देना आप टिप्स देना चाहेंगे कि अवचेतन मन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे और विस्तृत किया जाए? अवचेतन मन ऑलरेडी डेवलप है सर, डेवलप है, बिल्कुल डेवलप है, कैसे प्रयोग में लाया जाए? हाँ, अब उससे है कि कैसे अवचेतन मन, अगर आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा हो, आपको दोस्तों फेसबुक चलाना अच्छा लग रहा हो, खेलना अच्छा लग रहा हो, दौड़ना अच्छा लग रहा हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही है अब, लेकिन पढ़ाई में वो चीज़ नहीं होती जी। हम 3 घंटे मूवी आराम से देख सकते हैं लेकिन 3 घंटे पढ़ाई करने बड़ा मुश्किल काम है। तो अब उस पढ़ाई को भी मैंने फनी बना दिया, मूवीज़ बना दिया, सलमान खान, अक्षय कुमार और मल्लिका शरावत जैसा मैंने उसे बना दिया। अब बच्चों को पढ़ने मज़ा आता है क्योंकि एक तो बच्चों को लगा कि अब तो पढ़ाई रहा नहीं और उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में याद कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो चीज़ें जो उसको लेफ्ट ब्रेन में जा रही थी ना अब वो चीज़ें आपकी राइट ब्रेन में जाएगी। तुमने सेलिब्रिटीज़ का आपने उपयोग किया बच्चों को पढ़ाई में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को टिप्स यही देना चाहूँगा कि अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल्स दिया, जैसे मैंने अभी कैलेंडर्स का डे निकाला तो ये रीजनिंग में जनरल कंपटीशन में 2-3 नंबर की सवाल आती है, मैं देखता हूँ कि इसमें बच्चे अटक जाते हैं और देखता हूँ बुक्स वगैरह में काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो मैंने उस पर बहुत मेहनत किया कि उसको कैसे वन लाइनर बना दूं। और अभी मैंने बच्चे को बताया, 10 मिनट बतलाया होगा और बच्चे ने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसे बतलाया। तो मैं बच्चे को यही बोलना चाहूँगा कि आप ना मेहनत कम करो, स्मार्ट वर्क करो। मेहनत कमज़ोर लोग करते हैं, स्मार्ट लोग मेहनत नहीं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जिसका मीन्स है कि आप कमज़ोर इंसान हैं।
एग्जाम्पल कि अब मान लो कि मुझे पेड़ काटनी हो, आप 5 घंटे लगा रहे हो तो आप कमज़ोर इंसानों को आधे घंटे में काट रहा है, तो स्मार्ट अब आधे घंटे में जो काटना उसने स्मार्ट टेक्निक यूज़ किया और आपने उसी कुल्हाड़ी से बार बार काट रहे हो जो ऑलरेडी उस कुल्हाड़ी काम नहीं कर रही, जंग लग गई, खराब हो गई, तो स्मार्ट वर्क पे मैं ज़्यादा फोकस करवाता हूँ बच्चों को। पेरेंट्स तो कहते हैं भाई पढ़ो, तुम 2 ही घंटा पढ़ते हो, तुम 1 ही घंटा पढ़ो, नहीं 4 घंटा पढ़ो, तो आप 16 घंटा पढ़ो तो फिर उसका रिजल्ट क्या है 16 घंटे? अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है 16 घंटे पढ़ने की आपकी, अगर आप कमज़ोर हो तो फिर 18 घंटा पढ़ो। अच्छा, आपकी जो क्लासेस है जी वो बहुत कॉस्टली है जी, तो ये इतने पैसे क्या करते हैं आप? इतने पैसे में क्या करता हूँ? ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं कैमरे पे, मैं क्या बोलूँ जिनके पास कैमरे पे बोल नहीं सकता। उस रास्ते के पथिक आप लगते नहीं, ऐसे बहुत पैसे नहीं होते और पैसे का करता क्या हूँ इसका तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकता, उसने पैसे नहीं कमाते इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उतना नहीं कमाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अजीत भारती साहब और जो बेबाक तरीके से मेरे छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रहे थे, और निश्चित रूप से ये देश सेवा के कई सारे काइंड्स होते हैं तो आप इनको एक बड़ा काइंड्स मानिए कि ये भारत के खलिहानों में आइंस्टीन देखना चाहते हैं, न्यूटन देखना चाहते हैं और उसके लिए ये सतत लगे हुए हैं, जिनकी बात इनका वेलकम करते हैं, विश करते हैं कि और आगे बढ़े और फरखर हों और इनके बच्चे अजीत भारती बनने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।